यस माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ से जो पिछला जो लेक्चर था यहाँ से रह गया था, तो इसको आप देखो क्या है। इन ऑर्डर टू एडजस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी सेटअप प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, जैसे कि सेल रिवेन्यू क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अलाइड कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्या रहेगा, या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि इंडिकेट करता है फाइनेंस की पोजीशन, जो कि रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग स्टेजेस पे जो कि प्रोजेक्ट की होने वाली है, और साथ में क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस को भी प्रेजेंट किया जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में। और जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उस लेवल पे सेल प्रोडक्शन या सेल कितना होगा, या जो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज है ताकि वो ना तो उसको प्रॉफिट हो ना ही उसको लॉस हो, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। देखो अगर मान लो फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगी लैंड की मशीनरी की लगेगी, ये तो होगी फिक्स्ड कॉस्ट। फिर वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल लगेगा, पावर सप्लाई या जो भी वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, या क्वांटिटी सॉरी कॉस्ट एंड क्वांटिटी, कॉस्ट और क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ होता है। फिक्स्ड कॉस्ट जो रहेगी वो इतनी तो लगेगी, फिर ये होगी वेरिएबल कॉस्ट, ये भी इतनी ही लगेगी, यानी कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अगर जीरो क्वांटिटी है तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट हमारी रहेगी। फिर उसके बाद जो हम बनाने के बाद जब सेल करते हैं वो यहाँ से शुरुआत होती है। देखो दोबारा से बना देती हूँ, ये है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा ये हमारा कॉस्ट और ये है क्वांटिटी। और जब यहाँ से शुरू करते हैं जीरो से शुरू करते हैं तो ये आता है हमारा ऊपर की तरफ जाता है, तो ये हमारा होता है सेल, सेल जितनी हुई है ठीक है, तो ये सभी कॉस्ट को पार करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट आएगा यानी कि जो एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगा वेरिएबल कॉस्ट को, इससे हम ऐसा एक इमेजिनरी लाइन या डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो क्वांटिटी होगी ना या ये जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और ये जो क्वांटिटी होती है ये ब्रेक इवन क्वांटिटी होती है कि जहाँ पे हमें ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इससे अगर कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लॉस मिलेगा, और इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होगा इतनी क्वांटिटी अगर बनाएंगे ना ही लॉस होगा, तो ये क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है। नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एवरी एंटरप्रेन्योर शुड वर्क आउट एन इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल और टाइम टेबल फॉर हिज प्रोजेक्ट टू इंश्योर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेटिंग ऑफ द इंटरप्राइज। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ देयर इज अ डिले इट काज अमोंग अदर थिंग्स और प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवर रन। तो जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, तो इंटरप्रेन्योर जो भी होता है उसको काम करना चाहिए कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है शेड्यूल का उसके ऊपर एक टाइम टेबल बनाना चाहिए उसके अपने प्रोजेक्ट का, ताकि वो ये इंश्योर करे कि कितना टाइम से वो कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं तो उसको सेट करने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, और वो अकॉर्डिंग टू टाइम इन फ्यूचर वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अगर उसमें डिले है तो उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है, या फिर उसकी कॉस्ट देखते हैं, तो सब चीज़ों को देखना होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन वो स्टेजेज ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन या अप्रेजल जब भी करना होता है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिकल एनालिसिस, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द अप्रेजल आर फंडामेंटल एज दे लॉजिकली प्रिसीड ऑल दी अदर एस्पेक्ट बिकॉज द बैंक विल नॉट फाइनेंस प्रोजेक्ट अनलेस इट स्टैंड एंड श्योर द प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट ए हाई प्रायोरिटी यूज ऑफ द रीजन्स रिसोर्सेज। क्या है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखना होता है अप्रेजल के दौरान, तो इस क्योंकि अगर हमें आगे चलना है तो हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा, और बैंक फाइनेंस जब देगा जब तक वो प्रोजेक्ट सूटेबल नहीं सूटेबल होगा, जब तक सूटेबल नहीं होगा तो बैंक भी आगे उसको फाइनेंस नहीं करेगा, तो उसकी रिपोर्ट दिखानी होती है और उसकी हाई प्रायोरिटी के बेस पे जाने की जो भी रीजंस हैं उसके रिसोर्सेज के लिए वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब देखते हुए बैंक डिसाइड करता है कि या उसको फाइनेंस देना है या फिर नहीं देना है। तो इसमें क्या है, इन अ व्यू ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस
resources the financial institution would like to finance those projects which are relatively better than others in terms of the socio-economic benefit likely to accrue from implementation of the proposed project. यानी कि जो प्रोजेक्ट आज हमने बनाया है तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास पैसा इतना नहीं होता कि वो सबको दे दे लोन दे दे, लेकिन उसको सिलेक्टेड प्रोजेक्ट को ही लोन देना होता है. तो ये जो बैंक जब भी लोन देता है तो वो देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए, उनकी टर्म एंड कंडीशन यानी कि जो भी होती है इन सबको देखते हुए उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है. जो सही रहेगा उसको बैंक देता है. नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस. फाइनेंस इम्पोर्टेंट होता है. जब भी हमें कोई इंटरप्राइज बनाना है तो उससे पहले फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ अ फाइनेंस ओनली दैट फैसिलिटेट एन एंटरप्रेन्योर इज ब्रिंग टुगेदर द लेबर ऑफ द वन मशीन ऑफ द अनदर एंड रॉ मटेरियल ऑफ येट अनदर टू बी कंबाइन दैम टू प्रोड्यूस गुड. यानी कि अगर कुछ गुड्स बनाने हैं, अगर पैसा होगा तो वो क्या करेगा, कहीं से मशीन लेगा, कहीं से लेबर लेगा, रॉ मटेरियल लेगा, या उनको सबको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट या गुड्स बनाएगा. ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग द न्यू एंटरप्राइज विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. तो मेनली क्या उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि आज हम पैसा लगाएंगे, इन फ्यूचर हमें यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा. देयरफॉर द बेनिफिट लाइकली टू एक्यू आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इस तरीके से जो भी बेनिफिट्स हैं वो एरक्यू करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, जो कि प्रोजेक्ट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी होता है, हेल्प करता है उनको. नेक्स्ट क्या आता है, टेक्निकल फीजिबिलिटी. वाइल मेकिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रेजल द टेक्निकल फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट आल्सो नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. इन द सिंपलेस्ट सेंस टेक्निकल फीजिबिलिटी इंप्लाइज टू मीन द एडिक्वेसी ऑफ द प्रपोज्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म. यानी कि जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रेजल बनाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, टेक्निकल फीजिबिलिटी को देखना होता है, प्रोजेक्ट की क्या है और उसकी नीड क्या, जरूरत क्या है, उन सब चीजों को देखा जाता है. सिंपली अगर बोला जाए तो टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि एडुकेसी क्या रहेगी, जो प्रपोज्ड प्लान है उसकी एडुकेसी क्या है, या उसका जो इक्विपमेंट्स उनकी एडुकेसी क्या है, जिनका प्रिस्क्राइब नॉर्म में होता है. एज रिगार्ड नो हाउ इट डिनोट द अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्निकल नॉलेज फॉर द प्रोजेक्ट प्रपोज प्लांट एंड मशीनरी. तो इस तरीके से टेक्निकली बताता है कि क्या अवेलेबिलिटी है, टेक्निकल नॉलेज क्या चाहिएगी जो प्रोजेक्ट है उसके, या प्लांट जो मशीनरी उसके लिए. इट शुड बी इंश्योर्ड वेदर दैट नो हाउ द अवेलेबल विद द एंटरप्रेन्योर और टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम एल्सवेयर. ठीक है, कि क्या वो सब पता लग जाता है जब भी टेक्निकली देखते हैं, क्या वो अवेलेबल है या फिर हमें कहीं और से उसका प्रिक्योर करना पड़ेगा. इफ़ द प्रोजेक्ट रिक्वायर एनी कोलोबरेशन देन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कोलोबरेशन शुड आल्सो बी स्पेल्ट आउट कंप्रीहेंसिवली एंड केयरफुली. तो अगर मान लो जो भी प्रोजेक्ट को कोलोबरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, देन टर्म एंड कंडीशन कोलोबरेशन की देखते हुए कॉम्प्रीहेंसिव एंड केयरफुली देखा जाता है इस तरीके से उनको. इन केस ऑफ फॉरेन टेक्निकल कोलोबरेशन वन नीड टू बी अवेयर ऑफ द लीगल प्रोविजन इन्फोर्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्या होता है कि आज जो भी टेक्निक या टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायरमेंट है बट हमारे पास में नहीं है, तो दूसरे के साथ मिलकर हमें सोचते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे. तो कई बार क्या होता है कि हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, देन उसके लिए लीगल प्रोविजंस देखने होते हैं टाइम टू टाइम. तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है. इसके बाद ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो शेयर ज़रूर करना. मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में. हैव ए नाइस डे.